Stop it. Ah. What a saginaw! Okay. And your timer starts now. माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है, बस हमारे पास ही नहीं है। लेकिन हमारे पास पापा हैं और वो भी काफी अच्छे हैं। ओए नंबर वन है जी, नंबर वन। पता है राहुल, वो अपनी शर्मा जी है ना, शर्मा जी, उनका फोन आया था। कौन शर्मा जी? वो अपने दिल्ली के पड़ोसी। अच्छा। उन्होंने रिश्ता भेजा है। किसके लिए? मेरे लिए। तो कर लीजिए ना। चुप। वैसे वो कह रहे थे कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। ठीक किया ना? हाँ। ठीक किया? हाँ। ठीक किया मैंने? हाँ माँ। हाँ। तो फिर मैंने ठीक ही क्या होगा? मैं वैसे भी कौन सा काम गलत करती हूँ? हर काम ठीक ही तो करती हूँ मैं। अब लड़की सुशील है तो क्या हुआ, सुंदर है तो क्या हुआ? हर लड़की आजकल सुशील ही होती है, सुंदर ही होती है। यहाँ किसको शादी करनी है? शर्मा जी भी अजीब पागल है, मुझे फोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, रिश्ते भेजते रहते हैं। खुद अपनी शादी क्यों नहीं करते, मेरे पीछे क्यों पड़? क्या हुआ माँ? पता नहीं राहुल, मुझे अपने परिवार अधूरा सा लगता है। क्यों? आप हो, मैं हूं, अंजलि है, मुझे तो अधूरा नहीं लगता। पता है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ तो वो सब अपनी बहू की बुराइयां करती हैं। अच्छा। मैं तो वो भी नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी आपको बहू इसलिए चाहिए कि आप उसकी बुराई कर सको? नहीं बेटे, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं तो खुश हूं, बहुत खुश हूं। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है।
बार बार नहीं होता। तुम तो अपने आप को संभाल लोगे बेटी, लेकिन अंजलि। क्यों, क्या हुआ उसको? तुम्हें नहीं लगता उसे एक माँ की जरूरत है? वो ठीक है ना? क्योंकि उसके पास वो है जो मेरे पास भी नहीं, उसकी मां की चिट्ठियां।